Hello students, this is Ritu Sharma. Welcome to my YouTube channel EduFlight. तो जैसा कि हम सबको पता है जो हमारी कंट्री में जो सिचुएशन है अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है जिसको हम COVID-19 के नाम से भी जानते हैं, तो इस समय क्या है, पूरे कंट्री में लॉकडाउन किया हुआ है, सबको ही पता है और हम लोग सब अपने घर में हैं, जो कि ज़रूरी भी है सेफ रहने के लिए. जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने जारी की है, जो भी आपको गाइडलाइंस दी जा रही हैं कैसे आप अपने आप को कोरोना वायरस से बचा सकते हैं, सेफ रह सकते हैं, उनको प्लीज़ फॉलो कीजिए. घर में रहिए, सेफ रहिए, वो ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपको इमरजेंसी है, कोई बाहर जाना भी पड़े तो बाहर से बाहर जाइए, मास्क यूज़ कीजिए बाहर जाने के लिए, प्लस लोगों से दूर रह के बाहर जाइए. लाइक ये नहीं कि आप बाहर गए और आपने फ्रेंड्स के साथ जाके ग्रुप बना लिया, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी. देखा भी होगा आपने वीडियोस में, बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने दे रहे हैं. अगर जा भी रहे हो तो पुलिस वाले किस तरीके से कर रहे हैं वो ज़रूरी भी है, क्योंकि लोग मान नहीं रहे हैं. ओके, तो आई होप आप सभी घर में होंगे और सेफ होंगे. तो घर में रहने का यही बेनिफिट है कि आप सेफ रहेंगे, कोरोना वायरस का अगर कोई पेशेंट है आप उसके टच में नहीं आएंगे. प्लस जब आप बाहर से अंदर आ रहे हो, अगर आप गए भी किसी कारणवश या इमरजेंसी से बाहर, तो आपको बाहर से आके क्या करना है, हैंड वॉश करने हैं. जो भी गाइडलाइंस जारी की हैं सबको फॉलो करना है. लाइक अगर आप बाहर से कोई सामान लेके आ रहे हो और वो वॉशेबल है तो उसको आप धोइए पहले, उसके बाद यूज़ कीजिए. क्योंकि उस जो भी सामान आप लाए हैं वो जो पैकेट है उसके ऊपर भी तो वायरस हो सकता है ना, तो जितना हो सकता है अपने आप को बचा के रखिए और घर में रहिए. तो लेकिन एक बात देखो, अगर हम घर में रह रहे हैं और हमारे स्कूल्स वगैरह सब क्या हैं, बंद हैं, तो इससे क्या होगा कि आपकी पढ़ाई का लॉस हो रहा है भाई. अब घर पे क्या है, आप सिर्फ पूरे दिन टीवी देख लिया, ठीक है, फ़ोन यूज़ कर लिया, ओके, लेकिन हमारी पढ़ाई कहाँ हो रही है इन समय, वो भी तो होनी चाहिए ना जब हमारे सारे काम चल रहे हैं घर में बैठे बैठे. तो मैंने सोचा कि क्यों ना पढ़ाई शुरू की जाए. क्लास 9 और 10 के लिए यहाँ पे हम मैथमेटिक्स का जो है क्लासेस प्रोवाइड करेंगे हमारे चैनल, जो मैंने शुरू में बताया था EduFlight. आपको बस यही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और डेली वीडियोस को देखना है. ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं रहेंगी, 10 मिनट या 15 मिनट की वीडियो रहेंगी, ताकि आप भी बोर ना हो और आपकी पढ़ाई भी क्या हो, हैम्पर ना हो. तो क्लास 9 और 10 के लिए बेसिकली मैं क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगी, जो कि एब्सोल्युटली क्या होंगी, फ्री होंगी. ये क्लासेस क्या होंगी, फ्री होंगी एब्सोल्युटली. आपको बस वीडियोस देखनी है. अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ताकि उनकी भी स्टडी क्या हो, हैम्पर ना हो. तो क्लास 9 और 10 की मैथ्स की क्लासेस आई विल प्रोवाइड टू यू. तो जो शेड्यूल रहेगा क्लासेस का वो कुछ ऐसा रहेगा कि मैं 9 और 10 क्योंकि दोनों की क्लास प्रोवाइड कराऊंगी, तो एक दिन हम 9th क्लास की स्टडी करेंगे और एक दिन 10th की. तो अगर आप 9th क्लास में हैं तो आप 9th की वीडियो देख सकते हैं, और 10th के हैं तो 10th की वीडियो देख सकते हैं. अब बात ये आती है, कुछ बच्चों के आई थिंक एग्ज़ाम ही नहीं हुए थे, क्लास 10th के एग्ज़ाम कुछ कैंसिल हो गए थे, या क्लास 9th में भी अगर किसी बच्चे का एग्ज़ाम रह गया है, कोई प्राइवेट स्कूल में है, तो इतना तो हम श्योर ही है ना कि हम एग्ज़ाम में कैसा करके आए हैं या हम पास हो जाएंगे एग्ज़ाम में. तो उसके बेसिस पे आप क्लास 10th की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं अपनी, सिर्फ मैथ की ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, आप उनकी भी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं. तो जो हमारा शेड्यूल रहेगा क्लास 9 के लिए, MWF में देखो, यहाँ पे MWF का मतलब क्या है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे. ये क्या होगा, 5 to 6 PM आपकी 9th क्लास की जो होगी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी मैं. एंड TTS यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में 5 to 6 PM में ही क्लास 10 की वीडियो आएगी. तो कहने का मतलब है एक दिन क्लास 9 की वीडियो आएगी और एक दिन क्लास 10 की वीडियो आएगी. अब ये जो टाइम है 5 to 6, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी टाइम अवेलेबल रहें, क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे आएगी जो कि वहाँ सेव हो जाएगी. तो अगर आपको बाद में टाइम मिलता है तो आप कभी भी उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि अभी आप घर पे ही हैं, जैसे आपको सुटेबल लगे, जब आपका मन करे आप वीडियो देख सकते हैं. बस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है. तो इस शेड्यूल को हम इम्प्लीमेंट करेंगे मंडे से, अपकमिंग मंडे से, जो भी डेट है 31st है आई गेस मंडे को, तो हम तब से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. और मैं कोशिश करूंगी इस शेड्यूल को मेंटेन रखने की, बाकी अगर शेड्यूल में कोई चेंजेस होगा तो मैं आपको वो आगे बता दूंगी. तो इतना ही था कि आपको इन्फॉर्म करना था कि हम कुछ ऐसा शुरू करने जा रहे हैं. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी अपडेट आएगी न्यू उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी. प्लस अपने फ्रेंड्स को भी बताना है कि ऐसा कुछ है, ताकि उनकी स्टडी भी हैम्पर ना हो. तो बस मैं यही कहूँगी, अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई को हैम्पर मत कीजिए, पढ़ाई भी करते रहिए साथ साथ. थैंक यू.